हस्तमैथुन से धातु वीर्य दोष हो जाता है और धातु पतली हो जाती है। ऐसे में युवाओं की जिंदगी नरक बन जाती है। युवाओं से अनुरोध है कि इस बुरी आदत को छोड़ दें और हुए नुकसान की भरपाई के लिए निम्न घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए। कमजोरी को दूर करने के उपाय। आंवला तथा हल्दी। आंवला तथा हल्दी समान मात्रा में पीसकर घी डालकर सेंक लीजिए और भून लीजिए। सिकने के बाद दोनों की बराबर मात्रा में पीसी मिश्री मिला लीजिए। जैसे 100 ग्राम आंवला और हल्दी है तो मिश्री 200 ग्राम। अभी इसको सुबह शाम एक चम्मच गर्म दूध के साथ फंकी लीजिए। अस्कंद अश्वगंधा आधा चम्मच। अस्कंद की फंकी नित्य सुबह शाम गर्म दूध से लेने से ठीक हो जाती है। मर्दाना शक्ति भी बती है और आंवले के प्रयोग को भी निरंतर करें। कच्ची हल्दी और शहद। कच्ची हल्दी का रस 2 चम्मच समान भाग शहद में मिलाकर एक बार रोजाना पिए। या पीसी हुई हल्दी 250 ग्राम गाय या भैंस के घी में सेंक कर इसमें पीसी हुई 250 ग्राम मिश्री मिला लें। नित्य रात को गर्म दूध से फंकी लें। हस्तमैथुन से धातु वीर्य दोष हो जाता है और धातु पतली हो जाती है। ऐसे में युवाओं की जिंदगी नरक बन जाती है। युवाओं से अनुरोध है कि इस बुरी आदत को छोड़ दें।